सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया मेरे। नहीं, मेरा एजेंडा वो नहीं है, वो एजेंडा नहीं है। नहीं, मेरा मेरा एजेंडा पॉलिटिकल नहीं है। मेरा एजेंडा किसी का व्यक्तिगत और परिवार नहीं है। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। ये इस्तेमाल करते हैं कोई डीएनए के नाम पर, कोई नीच के नाम पर, कोई जिंदगी के नाम पर। ये पब्लिक को धोखा देता है। नेता अपनी बात क्यों करता है? आम आदमी की बात नेता क्यों नहीं करता है? आम आदमी के लिए सड़कों पर नेता क्यों नहीं होता है? यूथ की बात क्यों नहीं करता है? स्टूडेंट की एजुकेशन की बात क्यों नहीं करता है? अस्पताल और एजुकेशन की बात क्यों नहीं करता है? ये मूस काट के मार दिया नवा बच्चों को, उसकी बात क्यों नहीं किया? कुशवाहा छात्रावास में बच्चों के साथ जो हुआ उसकी बात क्यों नहीं करता है? दिक्कत की बात क्यों करता है? कब तक ये लोग इमोशनल इस्तेमाल करेंगे? अपना घर संभालता नहीं, पूरा घर पूरा का पूरा खुनवा लालू यादव को मारने में लगा हुआ है। पहले भी लालू यादव को किसको नहीं पता है कि लालू यादव की बेटी पूरा का पूरा उस घर को नाश करने में लगा हुआ। यह सवाल मैंने पहले कहा था कि लालू यादव के लिए घातक साबित होगा। और बेटी और मां के झगड़े में आज लालू यादव मरने की तैयारी में, आज तो सर्वे आ गया, बेटी और मां घर को तोड़ के। आप ये सवाल नहीं है, जबरदस्ती आप इमोशनल बात करते हैं। मेरे लिए सवाल बिहार और बिहार का निर्माण है, रोजगार और सुरक्षा है। मेरे लिए सवाल आरक्षण कैसे संभाल लो? आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? नीतीश कुमार जी, संविधान आरक्षण क्या है? नेपाल और बांग्लादेश का आदमी खत्म करने आ रहा है क्या? कहाँ का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है? आप नफरत की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। अगले बार आपका बड़ा भाई आरक्षण खत्म कर रहा था, इस बार आप खत्म कर रहे हैं। कौन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चुनौती देने के लिए पैदा हुआ है? किसको कह रहा है संविधान से को खतरा हो गया? ये पॉलिटिकल एजेंडा बंद करे ये नेता लोग। फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।